तुम आवाज दोगे, विद्रोह करोगे, दुनिया को, आकाश को चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि स्वतंत्रता के लिए हमारी मांग जायज है। वो आए तो थे सिर्फ व्यापारी बनकर, अपनी महारानी का आज्ञा पत्र लेकर, किंतु बन गए शासक हमारी धरती पर और बना लिया अपना विशाल साम्राज्य। उस निरंकुश शासक के आधार स्तंभ में लूटपाट, स्वार्थ, लोभ और निष्ठुरता समाई थी। पहला ऐतिहासिक विस्फोट हुआ, वो घटना सन 1857 की थी। उस समय देश के विभिन्न स्थानों से कारीगरों, किसानों, आम जनता के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिक भी इस विद्रोह में शामिल थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी क्रांतिकारियों से हाथ मिलाया। उस वक्त देश के करोड़ों लोगों में यदि जागृति पहले आई होती तो सैकड़ों साल तक हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े नहीं रहते। लखनऊ की शान, लखनऊ जो उस वक्त भी अदबी नवाबों की राजधानी थी, वो आज भी विशाल उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सच पूछें तो मानो लखनऊ ही देश में क्रांति का एक तीर्थ स्थल था। अंग्रेजों द्वारा प्रस्थापित एक विशाल एवं पथरीली ब्रिटिश रेजिडेंसी में लगभग 3000 फिरंगियों को हमारे क्रांतिकारियों ने अपने घेरे में नजरबंद रखा। अंततः एक वर्ष बाद ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की मदद से उन्हें बंधन से मुक्त कराया गया। 1857 ईस्वी में हुई क्रांति के बाद की परिस्थिति को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर सत्ता का अधिकार ब्रिटेन की महारानी के अधिकार में चला गया। राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। बंगाल को दो भागों में बांटने की कूटनीति, जिसमें पूर्व बंगाल जहां अधिकतर मुसलमान थे, वहां पहली बार कौमवाद का प्रश्न उठाकर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। बाद में शायद यही देश के बंटवारे का भी कारण बना। बंगाल और दूसरे कई प्रांतों में भी अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत तो यूरोप के देशों में हुई, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए ये दूसरे कई महादेशों में भी फैल गया। गुलाम होते हुए भी भारत को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हुए उनके दुश्मनों के विरुद्ध लड़ना पड़ा, किंतु युद्ध की समाप्ति के बावजूद भी हमारी स्थिति नहीं सुधरी। इसके कारण देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति बढ़ती गई। 1915 ईस्वी में एक नक्षत्र उभरा, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने देश को स्वतंत्रता का शस्त्र दिया, और वो था सत्य, अहिंसा और निर्भीकतापूर्ण विरोध। उनके असहयोग आंदोलन को 1921 और 1922 ईस्वी तक आम जनता और कांग्रेस से पूर्ण समर्थन मिलता रहा, किंतु गांधी जी ने एक बार अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस के गोली चलाने के बाद हिंसा भड़क उठी। नाराज भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। उन्हीं दिनों समाजवादी मुद्दे के साथ
कुछ नए महानायकों का भी देश में उदय हो चुका था। साम्यवाद की गूंज भी देश में धीरे धीरे बुलंद हो रही थी। किसान जागरूक हो चुका था। वो अपनी जमीन पर मेहनत से जोत कर बीज बोता, सींचता और फसलें उगाता था। उसे अपनी कड़ी मेहनत का पूर्ण अधिकार चाहिए था। उत्तर प्रदेश का एक और क्रांतिकारी शहर शाहजहांपुर, यहां फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह सन 1857 में पहले ही अपना बलिदान दे चुके थे। इसी छोटे से शहर ने रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, एवं रोशन सिंह जैसे महान वीर सेनानियों को जन्म दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शाहजहांपुर का नाम स्वर्णाक्षरों से लिख दिया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक उच्च कोटि का उदाहरण कायम किया। ये पक्के मुसलमान नौजवान मोहम्मद अशफाकुल्ला खान वारसी हसरत हैं, जो बचपन से इसी भूमि पर पलते हुए एक दिन पक्के क्रांतिकारी बने। इसे आप काशी कह लें, बनारस कह लें या आज का वाराणसी कह लें, ये उस समय भी दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक था। वाराणसी उस समय हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नाम के संस्थान का केंद्र बिंदु था। इन लोगों के संगठन का एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता। फिर चाहे उसके लिए हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। इनके प्रमुख थे सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंदा, जो श्री रास बिहारी बोस के शिष्य थे, एक पक्का मुसलमान, जो शाहजहांपुर के मोहल्ले अमान जय का था, जिसे अब अशफाक नगर कहते हैं, इसी शाहजहांपुर का एबी रिच स्कूल, जो किसी जमाने में एक प्रसिद्ध मिशनरी स्कूल था, इसी स्कूल में अशफाकुल्ला खान ने छात्र के रूप में शिक्षा पाई थी। उनका नाम आज भी पुराने रजिस्टर में दर्ज है। यहीं से शायद उसने ज्ञान का बोध पाया था कि किसी भी धर्म या जाति को देश के हित में बांटा नहीं जा सकता। शायद इसीलिए शाहजहांपुर के आर्य समाजी मंदिर के क्रांतिकारी कट्टर आर्य समाजी रामप्रसाद बिस्मिल और कट्टर मुसलमान नौजवान पठान अशफाकुल्ला खान की दोस्ती ऐसी थी कि मुक्ति युद्ध में दोनों को साथ साथ लड़ने में कभी कोई असुविधा नहीं हुई। परिहास में रामप्रसाद अक्सर कहते थे कि आर्य समाज मेरा निवास स्थान है, किंतु आश्चर्य था कि कट्टर आर्य समाजी और कट्टर मुसलमान में मेल कैसा। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था, लेकिन अशफाक को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। परिहास में अशफाक भी कहता, यह नामुमकिन है कि 7 करोड़ मुसलमान शुद्ध हो जाएं और 22 करोड़ हिंदू भी मुसलमान बना दिए जाएं, मगर यह मुमकिन है कि दोनों अगर साथ मिल जाएं तो देश को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। ये वो पुराना ड्रेन पाइप है जिसके सहारे किसी जमाने छात्र क्रांतिकारी रामप्रसाद और अशफाक पुलिस के छापे के दरमियान उतरकर भागे थे। उनके बचकर भाग निकलने में मिशनरी स्कूल के प्राचार्य रूफस चरण भी शामिल थे, जिन्होंने उस वक्त पुलिस को रोके रखा था। ऐसी घटनाएं हमें सबक देती हैं कि देशभक्ति का
जाति और धर्म से कोई वास्ता नहीं होता। वो मुक्ति आंदोलन एक अटूट बंधन था जो विभिन्न वर्गों के समुदाय से बना था। इसका आधार धर्म निरपेक्षता और प्रजातंत्र को माना जा सकता है। श्री के आर नारायणन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने कभी यहां तक कहा था कि अशफाक ने देश को और हमारे समाज को एक ऊंचे दर्जे की एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर। एक प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार जिसमें कई उच्च अधिकारी और आला अफसर पैदा हुए। सुनोगे दास्ता क्या तुम मेरे? नौजवान अशफाक एक उभरता हुआ शायर, ऊंची कदकाठी का बलिष्ठ बदन, ये तफरीक शायरी के रंग में रंगा हुआ तुम एक नौजवान। यूं ही लिखा था किस्मत में चमन पेराए आलम ने, मानो आकाश की ऊंचाइयों और चमकते सूरज को छूना चाह रहा था। जमा दुश्मन जो अपने थे पराए हैं। अगर आप रामप्रसाद के मोहल्ले की गलियों से उनके घर की तरफ जाएं, तो उनकी यादगार दोस्ती की खुशबू को आप आज भी महसूस कर पाएंगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने पर भी आंदोलन रुका नहीं। इनकलाब! कुछ क्रांतिकारी फिर से सक्रिय हो चुके थे। क्रांतिकारियों को अब धन की आवश्यकता थी जिससे हथियार खरीदे जा सके। एक पैसेंजर ट्रेन रोजाना रात को सहारनपुर से लखनऊ जाया करती थी। इस पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में सरकारी खजाना सुरक्षा कर्मियों के साथ भेजा जाता था। रामप्रसाद के नेतृत्व में कुछ युवा क्रांतिकारियों ने, जिनकी औसत आयु महज 22 वर्ष की थी, इस ट्रेन के खजाने को लूटने की योजना बनाई। सर पर कफन बांधकर हाथ लगाओ। गार्ड के डिब्बे में रखे खजाने वाले लोहे के संदूक में वो धनराशि है जो हमें पार्टी के काम में मदद करेगी। ये काम हम सभी को सर पर कफन बांध कर करना होगा। 9 अगस्त 1925 का दिन, सरकार का खजाना लूटना। इनके 10 साथियों ने काकोरी के नजदीक आखिरकार इस ट्रेन को जबरन रोका। सरकारी खजाने को लूटकर अंधेरे में भाग भागो, भागो, भागो। इस रेल डकैती को अंग्रेजों ने एक गंभीर चुनौती माना और प्रशासन ने धरपकड़ शुरू कर दी। अशफाक, जो अब तक अपने घर में छुपा था, उसे अब वहां से भागना पड़ा। अशफाक को आखिर गन्ने के खेत में छुपना पड़ा। पुलिस से बचने के लिए अब वो फरार होकर दर बदर भटक रहा था। इसी दरमियान उसके कई फरार साथी पकड़े भी गए। उसके कई क्रांतिकारी दोस्तों को अंग्रेजों ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके लखनऊ के कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। छुपते छुपाते अशफाक बनारस जा पहुंचे। वहां पंडित मदन मोहन मालवीय, जो नेता और संस्कृत के विद्वान थे, उनके द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिरी एमए के छात्र रहे। इसी विश्वविद्यालय परिसर में अशफाक अपने कई हिंदू दोस्तों के साथ हमेशा सुरक्षित रहे। अशफाक के निरंतर भागने का यह सिलसिला उन्हें बनारस से बिहार के डॉल्टनगंज तक और उसके बाद दिल्ली तक ले आया। इसी दिल्ली में आखिरकार
किसी मुखबिर के खबर करने से करीब एक साल बाद अश्फाक पुलिस के चंगुल में फंस गया। यहीं से उसकी कठोर जेल यात्रा शुरू हुई। लखनऊ की जेल में उसे रखा गया। वहां की डायरी में उसकी आदतों का जिक्र है, हैबिचुअल। यही आदमी जो एक संभ्रांत परिवार का था। उस जमाने में काकोरी ट्रेन डकैती कांड केस ने खलबली मचा दी थी। पकड़े गए क्रांतिकारियों के बचाव के लिए एक कमेटी बनी। उसके मशहूर नाम थे पंडित मोतीलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र दैनिक प्रताप ने लोगों में हलचल मचा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों की इस मुकदमे पर नजर रही। लखनऊ के विशेष सेशंस जज के कोर्ट में अश्फाक से बरामद हुए कागजात से यह बात जाहिर हो गई कि मुक्ति युद्ध के साथ आर्थिक युद्ध जुड़ चुका है। यह बात सच भी थी, क्योंकि अश्फाक कहता भी था, मैं हिंदुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद हूं जिसमें गरीब खुश और आराम से रहते और सब बराबर होते। कोर्ट में कार्रवाई के दौरान अश्फाक का यह भी कहना था, कहां गया मेरा कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत, वो सब का सब कुछ लूट कर उल्टा हम ही को डाकू बता रहे हैं। कोर्ट में जब अश्फाक को फांसी की सजा सुनाई गई, उस वक्त के जज थे जे आर डब्ल्यू बेनेट। काकोरी कांड के मुख्य शहीदों में इतने सारे शहीदों की कुर्बानियों के बावजूद मुक्ति युद्ध चलता रहा, फांसी हो या घोर यातनाएं। क्रांति की मशाल कभी बुझी नहीं। शचीन्द्रनाथ बख्शी को जब कालापानी और अश्फाक को फांसी की सजा मिली, तो शचीन्द्रनाथ को लगा कि अश्फाक यकायक उनसे कहीं ऊंचे हो गए। अश्फाक के आदर्श ने एक और शिखर को छुआ था। उन्होंने हिंदुओं में खुदीराम बोस जैसे शहीदों को सलाम देते हुए कहा कि मैं शायद पहला मुसलमान शहीद हूं जो देश की क्रांति के लिए फांसी पर चढ़ूंगा। उन्हीं दिनों देश के एक प्रांत में विभत्स दंगों की खबर सुनकर अश्फाक ने देशवासियों से ये कहा था, सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने सता रहे हैं, हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं, न कोई इंग्लिश न कोई जर्मन न कोई रशियन न कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंद जो आज हमको मिटा रहे हैं। पढ़े लिखे अश्फाक को जब फैजाबाद जेल में लाया गया, तो वहां के पुराने रजिस्टर में उसे इलिटरेट यानी अनपढ़ के रूप में उनका नाम दर्ज किया गया। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। उसी पढ़े लिखे अश्फाक का नाम, जिसकी तालीम कभी शाहजहांपुर के मशहूर मिशनरी हाई स्कूल में हुई थी,
इसी अशफाकुल्ला ने जेल में रहकर अपनी मां के नाम अंतिम पत्र में संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि आने वाली नस्लें उन्हें डरपोक या कमीना नहीं कहेंगी, बल्कि सच्चा बहादुर मानेंगी। वो चाहते थे कि उनकी मां और घर वाले हिम्मत जुटाकर अगर मिलने आए तो उन्हें हिम्मत देकर जाए। फांसी पर रामप्रसाद बिस्मिल के अंतिम शब्द थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। अशफाकुल्ला खान वारसी उम्र 27 वर्ष को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी हुई। और अशफाक के ये अंतिम शब्द थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्रांतिकारियों का वो गीत आज भी फिजाओं में गूंज रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग के शिवा ने बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में खुल करके था खेला, मां मेरा रंग दे बसंती चोला। अशफाक का अपने क्रांतिकारी सहयोगियों से यह कहना था, मेरे कॉमरेड, मेरे रेवोल्यूशनरी भाइयों, मैं तुमसे क्या कहूं और तुमको क्या लिखूं, बस ये तुम्हारे लिए क्या कुछ कम मसर्रत की बात होगी जब तुम सुनोगे कि तुम्हारा एक भाई हंसता हुआ फांसी पर चढ़ गया, और अब बहुत ज्यादा फख्र है कि एक सच्चा रेवोल्यूशनरी होकर मर रहा हूं। बोलो वीर, बोलो उन्नत ममशीर, शीर निहारी आमारी नतशीर ओ शिखर हिमाद्रीर,